Hey, assalamu alaikum. Hope you guys are doing good. Alhamdulillah, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों. दोस्तों आज की टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों. एक लेटेस्ट अपडेट में ये पता चला है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खुलने वाला है शमशाबाद हैदराबाद पे. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो सुना होगा, मगर इंडिया में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स मौजूद हैं. जी हाँ, ये जो अब बनने जा रहा है वो 6th वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है दोस्तों, और इसको बनाने के लिए 15 लाख स्क्वायर फीट की जगह को लिया गया है शमशाबाद पर, और इसका फेज वन स्टार्ट कर दिया गया है जो 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा. जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है. ये तेलंगाना टुडे में इसकी बात मैं जो ज़्यादा जो न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ तेलंगाना टुडे से, तो इसमें ये लिखा हुआ था. और मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ. 500 से 600 करोड़ की लागत से ये चीज़ें बनाई गई हैं दोस्तों. तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है भाई, तो कोई मजाक नहीं है. बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है इसमें, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स साबित हो सकता है और हैदराबाद एक डेवलपमेंट स्टेट पे ला सकते हैं. ये गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है इस चीज़ के लिए. और भी मैं आपको बता दूं कि जो भी ये बन जाएगा, जब ये बन जाएगा तो एक एक वर्टिकल स्ट्रक्चर्स जिसमें बनेंगे इसमें 12-12 फ्लोर्स की लागत की जाएगी दोस्तों. 12 फ्लोर्स बनने के बाद जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसको हॉरिजॉन्टल में ऑफिसर्स से बनाए जाएंगे कम्प्लीटली. ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी आईटी पार्क्स या कुछ भी आईटी बिल्डिंग्स के जो भी होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये कपिल ग्रुप यहाँ पर बहुत फेमस है. तो कपिल ग्रुप ने फिर से इसे टेकअप किया है इस प्रोजेक्ट को, और इसे बनाने वाला है. तो कंप्लीट डब्ल्यूसीटी का जो भी प्रोजेक्ट होगा ये कपिल ग्रुप की तरफ से होगा. मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देने की बात भी की गई है दोस्तों. कंप्लीट कैंपस को सोलर पावर्ड से बनाया जाएगा, और मैं ये भी बता दूं कि एंटरटेनमेंट का भी इसमें ख्याल रखा गया है. फूड एंड बेवरेजेस और जो जो भी फैसिलिटीज़ एक इंसान को चाहिए तमाम चीज़ें इसमें रखी गई है. मैं आपको ख़ास बात ये बताता हूँ कि डब्ल्यूसीटी आखिर ऑफर क्या करता है, आखिर ये बिल्डिंग्स क्यों बनाए जाते हैं. तो ये बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं ट्रेड पर्पसेस के लिए. ट्रेड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो तमाम डब्ल्यूसीटी आपको देता रहेगा, और आपको मार्केटिंग रिसर्च के बारे में इसमें पता चलेगा, बिजनेस सर्विसेज के बारे में आपको इसमें पता चलेगा, B2B मैच मेकिंग जिसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग, यानी कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा इसमें. तो किस तरीके से बिजनेस आपको मैच करना है, तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको डब्ल्यूसीटी सेंटर के जरिए मिल सकती है. ये होस्टिंग ट्रेड मिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा, और आपको अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन वगैरह कुछ भी करना है तो ये तमाम चीज़ों को आसानी से आपको प्रोवाइड कर देंगे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि जिसे FDI जिसे कहते हैं दोस्तों, उसके लिए भी ये बहुत आसानी करने वाला है अगर आप डब्ल्यूसीटी से कनेक्ट करते हैं. मैं आपको ये भी बता दूं कि MSME जो एक बहुत यहाँ का फेमस एंटरप्राइज है जो यूनियन गवर्नमेंट तरफ से है, यानी कि MSME का मतलब हुआ है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो एक गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. अब जब COVID-19 आ गया था तो इसमें बहुत ज्यादा MSME में नुकसान देखा गया था दोस्तों. तो अब ये अनएक्सप्लोर्ड हुआ था कई ज्यादा एरिया से. जब ये WTC है, जब ये आ जाएगा तो इसको कई ज्यादा ग्लोबली कनेक्ट किया जाएगा. ज़्यादातर मकसद यही है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लोर किया जाए बड़े बड़े IT फील्ड से या BFSI से, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इनको कनेक्ट किया जाए, IT ग्लोबली इससे कनेक्ट किया जाए. MSME को बहुत अच्छा डेवलप करने के लिए ही एक सपोर्ट मिल सकता है ये WTC के जरिए. ये तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन खुद मिस्टर वारा प्रसाद जो चेयरमैन हैं WTC के दोस्तों, उन्होंने खुद ये इंफॉर्मेशन दी है. अब ये जो है लोकल कंपनीज़ को बहुत अच्छी मार्केट दे सकती है, एक अच्छा बिजनेस दे सकती हैं, एक स्टार्टअप्स को एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है दोस्तों. तो हम इंतज़ार करते हैं 2025 का, ताकि ये कंप्लीट बिल्डिंग्स वगैरह जो भी हो, ट्रेड सेंटर्स वगैरह बन जाए और हैदराबाद के लिए एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो और तेलंगाना बहुत ज़्यादा आगे बढ़े अंडर दिस TRS गवर्नमेंट. दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ जाए तो स्क्रीन के नीचे रेड बटनों का उसे दबाइए, मैं ग्रे बटन में कंप्लीट हो जाऊंगा, यानी कि आप सब्सक्राइब कर दिए हैं. हर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जाता, बस एक ही बार बटन दबाने से वो ग्रे हो जाता है दोस्तों. कई लोग बार बार सब्सक्राइब करने से, मैं सब्सक्राइब फिर सब्सक्राइब होता रहता हूँ, मैं एक
ऐसे ही रिसेंटली एक दोस्त से मिला था तो उसमें ऐसा पता चला, मैं हर वीडियो को सब्सक्राइब किया, ऐसे नहीं होता है। बस आप एक ही बार सब्सक्राइब कर देने से मेरे तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो। बस रेड बटन अगर ग्रे में है तो समझे कि मैं सब्सक्राइब हूँ, बार बार उसे सब्सक्राइब नहीं किया जाता, ठीक है। तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ग्रे आ गया तो मैं सब्सक्राइब हूँ, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अपनी दुआओं में, ब्लेसिंग्स में हमेशा मुझे याद रखिए, बड़े छोटे जो भी है। अस्सलाम वालेकुम।